मजा आ रहा है पानी डाल के मम्मा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी दिन के 11:30 हुआ है। आज सुबह का जो नाश्ता वास्ता खत्म हो गया, तो आज मैं थोड़ा ब्लॉग लेट से शुरू कर रही हूँ। तो अभी हमारा लंच का तैयारी हो रहा है। अभी आज लंच में मम्मी बनाने जा रही है कुछ सोयाबीन का कुछ सब्जी बनाने जा रही है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। अभी सोयाबीन भिगो के रखा हुआ है और आज सिल बट्टे में पिसा हुआ मसाले का बना हुआ मैं सब्जी खाने जा रही हूँ। और आलू भी इसमें डलवाते तो आलू भी खोल के रखा हुआ है। तो अभी ये जो मसाला है ये वाला मसाला है, ये जो मसाला है बारा मसाला, आज दार्जिलिंग स्टाइल में बना रही है मम्मी सब्जी। और जो ये मसाला है बारा, इसको बारा मसाला बोलते हैं। और ये मसाला को पहले हमें भूनना पड़ता है, फिर उसके बाद सिलबट्टे में पीस के और इसका कुछ सब्जियां, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अभी मैं बस ये सब रेडी कर रही हूँ। अरे आज पाही नानी के घर जा रही है ना, रेडी भयो नानी? खोई बनी कोई हजूर बनी को खोई अब आंगिर छोड़े रे जाने, कहीं ले आउनी अब नानी? कहीं ले आउनी बनी को अहमदाबाद अहमदाबाद कि एक हफ्ता बाद अहमदाबाद ले। आज मेरी बेटी जा रही है घर, सुनसान हो जाएगा। पैकिंग भयो तिम्रो? सब फैलिरहेछ भगवान, रूमहरु त बाई बाई ए बाई 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 गरेको आङ्गीलाई बाई गर्दै नानी आङ्गीलाई जाऊ ल। आज बच्चों को मैंने काम लगाया है फूल में पानी डालने के लिए, क्योंकि घर का जो मालिक है वो है ही नहीं फूलों का, अभी ससुराल गए हुए। खेमू चलो, मजा आ रहा है पानी डाल के मम्मा। ये उग गया देखो, क्या जल्दी जल्दी उग गया, उड़ गया, उग गया। मतलब गुड मॉर्निंग, ये था डाल दो, और चाहिए डालने के लिए। इधर वहाँ पे भी डाल, चल मैं चलो चल छीटो। बस अब लंच वंच हो गया और नहाना धोना भी खत्म हो गया है। और आज मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, शायद बारिश होने का जैसा हो रहा है और मौसम भी काफी खराब हो रखा है आज। पूरा फॉग लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है अभी मौसम, और शायद बारिश होगी। क्या कर रही है ना, मैं सोच रही थी कब से कहाँ गए कहाँ गए, दोनों बताओ यहाँ। बाप रे ओए, क्या कर रहे हो? गंदा सा डॉगी है ये, जितने ये ना जहाँ आग जलाती है मम्मी वो चूल्हा में जाके सोता है ये ठंड की वजह से। और ये खाना नहीं खाता, सिर्फ ये बिस्किट खाता है। ला खाना तो बिल्कुल नहीं खाता है, बताओ ये जो ला, तो दिन में 4 पैकेट बिस्किट खा जाता है, बताओ। मजा आ रहा है चाय पीने में? आज दूध तो आया ही नहीं, अब पी लो चाय और बिस्किट खा लो।
अभी मैं जा रही हूँ मेरी आंटी के घर, क्योंकि दिन भर घर बैठे बैठे बहुत बोर हो चुकी हूँ और आज कुछ थोड़ा ठंड भी है। आना है मासी के घर, जाना है मासी के घर, जाना है नूरू मासी के घर। हाँ चलो वाला चलते, नहीं जाना, मैं जाती हूँ। आज आंटी के घर आई थी तो आंटी ने चाउमीन बनाया है, तो बोल रहे कि खा के जाओ, तो फिर मैं अभी देखो चाउमीन बना के भी रेडी है, अभी मैं बस चाउमीन खा के निकल जाऊँ। हमारा घर आज हमारे घर पे प्लांटेशन शुरू हो गया है फूल का, तो आज इस ये सारा फूल आप लोगों को दिखाऊंगी। एक सेकेंड, ये जो फूल है इसका अब इसका कटिंग करने का टाइम आ गया है। अब सारा फूल देखो, फूल ना अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, खिल रहे अभी फिर भी, लेकिन अब इसका कटिंग शुरू होगा। और अब इसका सीजन ऑफ हो गया है, अभी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं इसका ये जो फूल लग रहा है, तो इसका अब सीज़न ऑफ होने के बाद फिर इसको अभी इसको कटिंग करके फिर नेक्स्ट बैच के लिए रेडी करेंगे। ये और इसके लिए ये रेडी कर रहे हैं। ये कहाँ पर, ये कल हमने लेके आए थे, ये क्यों हो, ये कहाँ पर लेको, ये चीज ये अभी शुरू हो रहा है। इसको बोल रहे कैमरा में मत दिखा मुझे, ये पनि मिनी यस्तो भइसकेछ हेर, लागि ये टक्कै भाचेछ यी ला केटकेटीले होला यी ए और मेरी मम्मी देखो ये कपाई कटाई हो रहा है साग की। ये चाहिँ किन राखेको यहाँनिर यो फुल, यसको पनि त कटिङ त गर्नुपर्छ है। इसको हाथ पकड़ के घुमाओ क्या, ये चॉकलेट नहीं खाता कभी, छोटा नहीं खाता, वो चॉकलेट खाता है क्या कुत्ता, लात मार्नु हुन्छ कहिले कुत्ताले लात मार्छ। आज सुबह से ये तेरा पीछे पीछे ही चल रहा है नहीं। ये कविश है और ये कविश का विनी है गंदा सा जो बिस्किट खा रहा है। कविश ओ बोरोगे, दिन भर टीवी देखो और बैठो और क्या। आज से खेमू का स्कूल शुरू हो गया, बेचारा ये अकेला हो गया।